चित्तूर जिले के मदनपल्ले में दो बेटियों की हत्या करने के मामले में माता पिता को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं अपनी बेटियों की हत्या करने वाली इस मां का चौंकाने वाला व्यवहार सामने आया है। बता दें कि अपनी दो बेटियों को पुरुषोत्तम नायडू और उनकी पत्नी पद्मजा ने मार डाला। अंधविश्वास के चक्कर में की गई इस हत्या के आरोपी माता पिता ने बताया कि उनकी बेटियों का बलिदान हुआ है। उन्होंने अपनी बेटियों को मारा नहीं बल्कि दो राक्षसियों को मारा है। अब कलयुग खत्म हो चुका है और सतयुग आ चुका है। चंद दिनों में उनकी दोनों बेटियां खुद ही जिंदा हो जाएगी। पुलिस जब आरोपी मां पद्मजा को कोरोना टेस्ट कराने पहुंची तो इस दौरान उनका बेहद अजीबोगरीब रवैया देखने को मिला, जिससे साफ जाहिर होता है कि हत्या करने वाले दोनों ही आरोपी मानसिक तौर पर पूरी तरह अस्वस्थ है। इस दौरान अंधविश्वास में डूबी पद्मजा ने कहा कि कोरोना चीन से नहीं बल्कि उनके शरीर से बाहर आया है, लिहाजा उन्हें कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। पद्मजा ने कहा उनके गले में हलाहल विष है, लिहाजा कोरोना टेस्ट उन्हें कराने की दरकार ही नहीं है। इस दौरान पद्मजा ने ये भी कहा कि बिना वैक्सीन के ही कोरोना वायरस मार्च में खत्म हो जाएगा। पद्मजा के रवैये से परेशान पुलिस और चिकित्सा कर्मी हैरान हो गए। हालांकि वहां मौजूद लोगों को पद्मजा की बेतुकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। आपको बता दें कि मदनपल्ले के शिवानगर स्थित गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज के प्रिंसिपल पुरुषोत्तम नायडू और उनकी पत्नी पद्मजा ने रविवार की रात अपनी दोनों बेटियों अलक्ष्या और साई दिव्या की बेरहमी से हत्या कर दी थी। रूटीन प्रैक्टिस के तहत ही हत्या आरोपी पद्मजा को पुलिस मदनपल्ले अस्पताल मेडिकल और कोरोना टेस्ट के लिए लेकर आई थी। बेटियों की जान लेने के आरोप में पुलिस गिरफ्त में पद्मजा ने दावा किया कि जिस वक्त उसने हत्याकांड को अंजाम दिया था उस समय भगवान शिव मदनपल्ली में ही मौजूद थे। इससे पहले पद्मजा और पुरुषोत्तम नायडू को पुलिस ने लंबे समय तक पूछताछ की। उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने ही अपनी बेटियों को डंबल से पीटा था क्योंकि वे राक्षसियां थी और वे दोनों जीवित वापस आएगी। इन लोगों ने ये भी कहा कि कुछ दिनों के लिए उनके घर में बहुत सारी महिमाएं हुई है और उनके घर में देवता मौजूद थे। उन्होंने अपनी सबसे छोटी बेटी साई दिव्या की बीमारी को पूजा पाठ के जरिए ही कम कर दिया है। दंपति ने पुलिस के सामने ये भी कहा कि एक हफ्ते के लिए दोनों ने घर के बाहर कुछ विशिष्ट अनुष्ठान किया है, साथ ही इस दौरान उपवास भी रखा है।